नमस्ते गाइस राजेश नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक कंपैरिजन Redmi Note 10, 10 Pro और 10 Pro Max के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको इन तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए तो ये वीडियो देखते रहना Xiaomi ने इस बार अपनी Redmi Note 10 सीरीज के साथ जो बजट मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट है ना इंडिया का उसे एक लेवल ऊपर रेस कर दिया है क्योंकि इन फोन में आपको एक सॉलिड डिजाइन मिल रहा है सॉलिड परफॉर्मेंस मिल रहा है एमोलेट पैनल मिल रहा है अपटू वन जीरो एट का कैमरा मिल रहा है ओवरऑल यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ही सॉलिड है तो तो बेसिकली आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि Redmi Note 10 सीरीज जो है ये इंडिया के लिए आईफोन से भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि जब ये फोन आता है तो कॉम्पिटिटर्स भी देखते हैं कि अरे भाई शाउमी ने क्या लॉन्च किया है वो अपने ऑफरिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं रेडमी नोट सीरीज इंडिया में बेंचमार्क सेट करता है बाकी सारे जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं उन्हें फॉलो करने के लिए कि हाँ भाई अब तो हमें मिनिमम ये देना ही होगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ आप रेडमी नोट टेन लेते हो टेन प्रो लेते हो या टेन प्रो मैक्स लेते हो आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला ना ओवरऑल फोन के साथ वो अच्छा ही होने वाला है लेकिन तो भी अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के एक बात मैं कहना चाहूंगा यहां कि आप वीडियोज में रेडमी नोट टेन और टेन प्रो मैक्स की ही बी रोल्स देखोगे लेकिन मैंने Redmi Note 10 Pro भी यूज किया एंड कैमरा सैम्पल्स भी है मेरे पास उस फोन के वीडियो में आपको फ़ोन इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने जो अमेज़न से यूनिट ऑर्डर की थी उसे मैंने यूज़ किया थोड़ा टाइम तक उसके बाद उसके डिस्प्ले में कुछ इश्यूज़ हो गए जिस वजह से वो फ़ोन मुझे फिर अमेजोन को रिटर्न करना पड़ा रिप्लेसमेंट यूनिट आने में अभी भी टाइम है पर तो भी मैं ये कंपेरिजन वीडियो से प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे तीनों फ़ोन्स का हो चुका है डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें ना इन तीनों फ़ोन्स की तो आपको नया इवॉल्व डिज़ाइन मिल रहा है इनमें एंड रेडमी नोट टेन टेन प्रो एंड प्रो मैक्स सेम ही डिज़ाइन है कोई डिफरेंस नहीं है बस ये एक डिफरेंस आता है डिज़ाइन वाइज कि Redmi Note 10 जो है वो थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें आपको छोटा डिस्प्ले भी मिल रहा है वहीं पे Redmi Note 10 Pro, Pro Max में 6.67 पॉइंट इंच का डिस्प्ले तो इनकी साइज थोड़ी बड़ी है जो सेकेंड मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जहाँ पे आपको नोट टेन प्रो और प्रो मैक्स में पीछे गोरिल्ला ग्लास वाला पैनल मिल रहा है बैक वहीं पर रेडमी नोट टेन में एक प्लास्टिक बैक है एंड फ्रंट में रेडमी नोट टेन में गोरिल्ला ग्लास थ्री है जबकि रेडमी नोट टेन प्रो प्रो मैक्स में आगे पीछे हर जगह आपको गोरिल्ला ग्लास फाइव मिल रहा है नोट टेन प्रो और प्रो मैक्स थोड़े ज्यादा पतले भी हैं, जीरो पॉइंट टू एम एम ही है एट पॉइंट वन एम एम पतले हैं कंपेयर टू रेडमी नोट टेन जो कि 8.3 पॉइंट mm थ्री थिक है इतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं वैसे तो डिजाइन हाईलाइट जो है ना तीनों फोन की वो ये है कि तीनों में आपको IP53 रेटिंग मिल रहा है तो डस्ट रेजिस्टेंट है और स्प्लैश प्रूफ है तीनों ही फोन तीनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है तीनों में ही आपको आयर ब्लास्टर मिल रहा है एंड तीनों में ही एन में ही NFC मिसिंग है तो अगर आप देखोगे तो कोर एक्सपीरियंस तीनों फोन के अग्रॉस सेम ही है डिफरेंसेज है माइन्यूट है ग्लास बैग वर्सेस प्लास्टिक बैग ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आप भाई अल्टीमेटली अपना फोन कवर में डाल के यूज करते हो तीनों फोन में जेड एक्सिस का वाइब्रेशन मोटर भी है तो जो हैप्टिक फीडबैक है वो बहुत अच्छी है फिर आई रेटिंग भी है तो स्प्लैश प्रूफ है टेंशन नहीं है रेडमी नोट टेन प्रो और प्रो मैक्स में एक और चीज है कलर्स का डिफरेंस जरूर है तीनों फोन्स के बीच में रेडमी नोट टेन प्रो और प्रो मैक्स में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल विंटेज ब्रॉन्स कलर मिलता है जो कि रेडमी नोट टेन के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन इस फोन के भी कलर शेड्स बहुत अच्छे हैं बट मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो भाई इस कलर के लिए ये विंटेज ब्राउन कलर बहुत ही अमेजिंग दिखता है भाई गुड जॉब शॉपिंग डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको मिल रहा है एक 6.43 इंच का FHD+ एच डी प्लस का सुपर एमोलेट डिस्प्ले लेकिन 60 हर्ट्स का पैनल है हाँ नहीं मिल रहा है जैसा मैंने बताया, ये आपका गोरिल ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है वहीं पे Redmi Note 10 Pro Pro Max दोनों में ही आपको मिल रहा है इंच का पैनल, FHD के साथ एंड ये गोरिल ग्लास फाइव से प्रोटेक्टेड है तो एक तो डिस्प्ले बड़ा है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच वर्से सिक्स पॉइंट फोर थ्री ऑन द रेडमी नोट टेन difference. गोरेला ग्लास गोरियला ग्लास 5 वर्सेज गोरला ग्लास 3 थर्ड डिफरेंस है कि नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स में डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो चली जाती है आपका 1100 हंड्रेड निट्स तक जबकि रेडमी नोट टेन में मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है वो एट हंड्रेड निट्स तक जाती है थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है बट है जरूर लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कंपेयर टू बाकी जितने भी प्रीवियस रेडमी नोट डिवाइसेस थे जो एल सी डी पैनल थे वो खराब नहीं थे लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी मिल रही है ना यार वो अमेजिंग है मजा आ जाता है यूज करने में कंटेंट ज्यादा पॉप करते हैं एंड ये भी है कि Redmi Note 10 सीरीज अक्रॉस द एंटायर सीरीज इस बार जो ब्राइटनेस लेवल है ना वो इतनी है मोर देन सफिशियंट है कि आप आराम से फोन को डायरेक्ट डे लाइट में सनलाइट में यूज कर सकते हो बिना किसी इश्यूज़ के Redmi Note 9 Pro Pro Max में प्रॉब्लम क्या था ना कि आप यूज़ करोगे अगर डायरेक्ट हार्श सनलाइट में तो आपको थोड़ा सा ऐसे आइस प्विंट करना पड़ेगा कंटेंट देखने के लिए Redmi Note 10 सीरीज अक्रॉस द एंटायर रेंज ऐसा कोई इशू नहीं है इसका एक रीजन तो यह है कि एमोलेट पैनल की ब्राइटनेस लेवल ज्यादा है एंड दूसरा यह भी है कि एमोलेट पैनल है तो रिफ्लेक्टिविटी कम है तो ये दोनों इंप्रूवमेंट्स के कारण एक यूजर एक्सपीरियंस में बहुत मेजर बेनिफिट हुआ है एक और जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि Redmi Note 10 Pro Pro Max की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो अराउंड 85.7 परसेंट है जबकि Redmi Note 10 की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ी कम है 83.5 परसेंट है ऑब्वियसली आपको Redmi Note 10 Pro Pro Max में वन ट्वेंटी हर्ड्स का हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो एक्सपीरियंस जो है बेसिकली जब आप लिस्ट में स्क्रॉल कर रहे हो तो इसमें ज्यादा बेटर आता है इज इट अ डील ब्रेकर नहीं एंड जैसा मैंने कहा नेडमी नोट 10 में भी जो आपको एमोलॉड पैनल मिल रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है प्लस इसमें भी स्टीरियो स्पीकर है तो यूज करने का जो मजा है इस फोन में भी अच्छा है कंटेंट कंजम्शन इसमें भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भले ही तीनों फोन में आपको एमोलॉड पैनल मिल रहा है लेकिन तीनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि पावर बटन में इंटीग्रेटेड है ना कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि जनरली हमें देखने मिलता है फोन्स में जिनमें एमोल पैनल है

ये बहुत बड़ा डिफरेंस है परफॉर्मेंस में इसमें कुछ डाउट ही नहीं है स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी पुराना चिपसेट है अग्रीड लेकिन 678 के मुकाबले अभी भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है एंड सीपीयू से ज्यादा जो जीपीयू का परफॉर्मेंस गैप है ना वो बहुत मेजर इंपैक्ट करेगा क्योंकि गेम्स में स्नैपड्रैगन 732G मच बेटर परफॉर्म करेगा स्नैपड्रैगन 678 से तो अगर आपके लिए गेमिंग वेमिंग इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस आपके लिए एकदम आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको Redmi Note 10 Pro या Pro Max कंसिडर करना चाहिए क्योंकि Redmi Note 10 की Snapdragon 678 जो चिपसेट है अच्छी है गेमर्स को नहीं पसंद आएगी नॉर्मल यूजर्स अंकल एंटी एडल्ट नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल अगर हो आप, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहला तो 120 ट्वेंटी हर्ट्स का जो डिस्प्ले है ना वो स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी टू जी ठीक से नहीं सपोर्ट करता करता है थोड़े बहुत बीच बीच में स्क्रिप्ट फ्रेम्स एनिमेशन आपको दिख जाते हैं जब आप थोड़ा हैवी गेम और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो या प्ले कर रहे हो तो ये क्लियरली चिपसेट के ऊपर है क्योंकि चिपसेट इतना अभी पावरफुल नहीं है कि वन ट्वेंटी को अच्छे से हैंडल कर पाए है। वहीं पर स्नैपड्रैगन सिक्स वाला रेडमी नोट टेन इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है डे टू डे यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि जहाँ पे सपोज करो कि रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स एक एप्लीकेशन को वन सेकंड में खोलते हैं वहीं पे रेडमी नोट 10 उसे 1.2 1.3 सेकंड्स में खोलते हैं तो 20-30 मिली जो इसे ज्यादा लग रहे हैं इट्स डील ब्रेकर अंटे लालने आप गेमर नहीं हो बट हाँ एक चीज जरूर है अगर आप Redmi Note 10 लेने का सोच रहे हो होली सिक्स जीबी रैम वेरियंट लेना चार जीबी रैम वेरियंट मत लेना Redmi Note 10 Pro Pro Max के तो बेस लेनाट में ही आपको सिक्स जीबी रैम मिल रहा है तो यहां तो कोई इशू नहीं है लेकिन Redmi Note 10 के बेस वेरियंट में चार जीबी रैम है जो कि मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं आप अवॉइड करना बेस्ट एक्सपीरियंस आपको छह जीबी रैम वेरियंट में ही मिलेंगे तीनों फोन में आपको फाइव जी कनेक्टिविटी भी नहीं मिल रहा है जो शायद बहुत लोगों के लिए डील ब्रेकर हो लेकिन ये डील ब्रेकर नहीं है मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है उसे जरूर चेक कर लेना यहाँ पे कार्ड आपको मिल जाएगा उसका 5G नहीं होना इज नॉट अ डील ब्रेकर राइट नाउ क्योंकि इंडिया में अभी 5G नेटवर्क्स आए नहीं है यहाँ तक कि फाइनल भी नहीं हुआ कि किस बैंड पे 5G आएगा तो भाई अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी से ही मत सोचो टेंशन मत लो चुपचाप Redmi Note 10 अगर खरीदा है तो खरीदो और इन्जॉय करो बैटरी की बात करूँ तो तीनों फोन्स में अगेन सिमिलर कैपेसिटी मिल रही है Redmi Note 10 में 5000 थाउजेंड एमएच की है Redmi Note 10 Pro Pro Max में 5020 जीरो टू जीरो एमएच की है एंड तीनों ही फोन यहाँ पे थर्टी थ्री वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं लेकिन एक कैच है कैच ये है कि यह थर्टी थ्री वोट की एमएम की फास्ट चार्जिंग नहीं है यहाँ पे नॉर्मल 33 थ्री का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो जैसे मीटेन आई में आपको 33 थ्री का एम एम टी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है पोको एक्स थ्री में 33 थ्री का एम एम टी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है वो आपको Redmi Note 10 सीरीज में नहीं मिलेगा यहाँ पे अगर आप फोन को चार्ज करोगे जीरो टू हंड्रेड अराउंड वन आवर ट्वेंटी मिनट्स लग जाते हैं फुल चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा जरूर है क्योंकि मीट एन आई और बाकी जितने भी फोन हैं थर्टी थ्री वोट के एम एम टी फास्ट चार्जिंग के साथ उन्हें लगभग सिक्सटी टू सिक्सटी फोर मिनट्स लगता है तो यहाँ पे आपको पंद्रह बीस मिनट थोड़ा ज्यादा लगेगा फुल चार्ज करने में बैटरी लाइफ की बात करो तो वैसे तीनों ही फोन सॉलिड हैं एक दिन ये आराम से चलेंगे बट दैट अबाउट इट अगर आप Redmi Note 10 Pro Pro Max को 120 ट्वेंटी रिफ्रेश रेट के साथ यूज करोगे ना पूरा दिन तो एक दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट मत करना वहीं पर Redmi Note 10 एक दिन से थोड़ा ज्यादा बैटरी लाइफ दे देता है लेकिन वही है कि भाई एक दिन दो 4G सिम कार्ड के साथ फुल यूज करो आप खेलो ये खेलो वो खेलो जो करना है करो एक दिन ये फोन आराम से चल जाएंगे उससे ज्यादा मिले नहीं मिले आई डोंट थिंक इट शुड मैटर मच एक दिन की बैटरी लाइफ पर्सनली मेरे लिए मोर देन इनफ है एक दिन का हार्ड कोर यूजेज बोल रहा हूँ तो उतना अगर मुझे मिल रहा है तो आई एम मोर देन हैप्पी एंड पे ये तीनों ही फोन्स डिलीवर करते हैं कैमरास की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 10, टेन प्रो और टेन प्रो मैक्स के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस है सबसे पहले तो प्राइमरी कैमरा तीनों फोन का डिफरेंट है यहाँ पे Redmi Note 10 में आपको मिल रहा है एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर वहीं पर रेडमी 10 Pro

बहुत ही ज्यादा क्लोजअप मोर देन माइक्रो कैमरा जितना देता है उससे ज्यादा क्लोजअप में आप इसे फोटोज और वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो तीनों फोन में आपको टू एम पी का डेप सेंसर भी मिलता है कैमरा परफॉर्मेंस तीनों फोन की बहुत ही डिफरेंस है एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको Redmi Note 10 लेना है 10 Pro लेना है 10 Pro Max लेना है तो बेसिकली ये बॉइल डाउन करेगा कैमरा को लेके कि आपके लिए कैमरा कितना ज्यादा प्रायोरिटी है अगर कैमरा आपके लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी नहीं है बहुत स्पेरिंगली आप कैमरा एप्लीकेशन यूज करते हो ना तो आप टेन रेडमी नोट टेन ले लेना ले इसकी फोर्टी एट मेगापिक्सल की जो कैमरा है डे लाइट में ठीक ठाक फोटोज ले लेगी ले लेकिन दैट्स अबाउट इट आप दो लो लाइट में फोटोज लोगे थोड़ा इंडोर कंडीशन में लोगे ना तो ये स्ट्रगल करेगा उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे Redmi 10 Pro जो है इसकी 64 मेगापिक्सल कैमरा ये Redmi Note 10 के 48 मेगापिक्सल कैमरा से एक स्टेप ऊपर है बहुत ही अच्छी इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस है लो लाइट में रिस्पेक्टेबल है कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस है और इसके बाद है आपका Redmi Note 10 Pro Max इसकी 108 मेगापिक्सल की जो कैमरा है डे लाइट में बहुत ही डिटेल्ड फोटोज़ लेती है एंड लो लाइट में रिस्पेक्टेबल रिजल्ट है ये नहीं कहूंगा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है रिस्पेक्टेबल रिजल्ट है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आईएसपी पे आ जाते हैं क्योंकि स्नैपड्रैगन सेवन जी की आईएसपी इतनी पावरफुल नहीं है मैंने आपको कुछ कंपैरिजन शॉट्स दिखाई दिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों फोन्स की इमेज क्वालिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है लेकिन अगर आपके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेडमी नोट टेन प्रो मैक्स कैमरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी चाहिए कि एक डिसेंट कैमरा हो तो आप रेडमी नोट टेन प्रो भी ले सकते हो और अगर कैमरा से एकदम ही मतलब नहीं है तो आराम से आप रेडमी नोट फ्रंट कैमरा में ये डिफरेंस है कि Redmi Note 10 Pro और Pro Max में फ्रंट शूटर जबकि तरह का नाइट मोड और स्लो मोशन सपोर्ट नहीं मिलता है फ्रंट कैमरा के लिए जो कि Redmi Note 10 Pro और Pro Max में अवेलेबल है सेल्फी की क्वालिटी में भी डिफरेंस है प्रो और प्रो मैक्स में भी इनफैक्ट डिफरेंस है जो कि प्रोसेसिंग के कारण है नहीं होना चाहिए था लेकिन है पर तो भी अगर आपके लिए सेल्फीज इंपॉर्टेंट है तो Redmi Note 10 Pro या Pro Max ले लीजिएगा क्योंकि Redmi Note 10 की 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर स्ट्रिक्टली एवरेज है वीडियो रिकॉर्डिंग में वैसे तो तीनों ही फोन 4K 30 30fps रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं लेकिन तीनों में ही आपको 4K रेजोल्यूशन में EIA सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो आपको फुल एचडी 30fps तक के ही वीडियोस में मिलता है सॉफ्टवेयर में अगेन तीनों ही फोन्स में आपको एंड्रॉड 11 बेस्ड म्यू आई ट्वेल्व मिल रहा है एंड And क्योंकि एंड्रॉयड 11 है ना तो ये जो मी आई ट्वेल्व का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा ज्यादा स्मूदर और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड फील करता है कंपेयर टू प्रीवियस शॉमी डिवाइसेज जिनमें आपको मीओ आई ट्वेल्व मिल रहा था ये जरूर है पर कि जब म्यू आई ट्वेल्व आएगा इन फोन्स के लिए तो परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी बट वो फ्यूचर की बात है करंट सिनेरियो में न्यू आई ट्वेल्व है परफॉर्मेंस अच्छी है तीनों फोन की कोई कंप्लेन्स नहीं होगी आपको न्यू आई ट्वेल्व की परफॉर्मेंस है यहाँ पे अच्छी है लेकिन इश्यू क्या है कि स्पैम नोटिफिकेशन मिलने वाले इसका कोई ये नहीं है एड्स पहले सामू के फोन्स में आते थे वो अब नहीं है सिस्टम एड्स बहुत ज्यादा कम हो गए प्यरली दिखते हैं लेकिन स्पैम नोटिफिकेशन ब्राउजर ऐप से या जो भी प्री इंस्टॉल्ड कुछ कुछ ऐप्स आते हैं उनसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ये डेफिनेटली बमर है बट अगेन ये कैसा चीज है जो सिर्फ शाउमी के फोन में नहीं ये आपको रियलमी के फोन सैमसंग के फोन हर एक बजट स्मार्टफोन में आपको मिलने वाले स्पैम नोटिफिकेशन तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो एंड किसी एक ब्रांड को स्पेसिफिकली इस चीज के लिए टारगेट करना भी फिर गलत हो जाता है जब पूरी ही गंगा मैली है तो सिर्फ एक जन को क्रिटिसाइज करना भी गलत हो जाता है तो जहां Redmi Note 10 आपको मिलता है बारह हजार में बेस वेरिएंट बट Xiaomi भाई OnePlus इन्होंने भी सीख लिया है एक बहुत ही गलत चीज कर रहा है वो ये है कि ये अभी किसी भी फोन का बेस वेरिएंट नहीं बेच रहा है तो Redmi Note 10 की जो बेस वेरिएंट है 12000 की वो आपको नहीं मिलेगी जो मिलेगी वो वेरिएंट में छह जीबी रैम सिक्सटी फोर जीबी स्टोरेज है एंड उसका प्राइस है आपका चौदह हजार तो so, 2000 तो ऑटोमेटिकली आपका अभी यहाँ बढ़ गया कि बाद है आपका Redmi Note 10 Pro इसकी जो बेस वेरिएंट है 16000 से स्टार्ट होती है सिक्स जी बी रैम सिक्सटी स्टोरेज लेकिन अगेन अवेलेबल नहीं है क्लैरिटी नहीं है कि कब मिलेगी तो इसका जो अगला वेरिएंट है वो 17000 हज़ार का हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है यहाँ पर और उसमें आपको मिल रहा है छः रैम और वन स्टोरेज Redmi Note 10 Pro Max जो है इसकी बेस वेरिएंट स्टार्ट होती है 19000 से छः जी बी रैम सिक्सटी स्टोरेज लेकिन अगेन सेम स्टोरी अवेलेबल नहीं है सिक्स जी बी वन लेना होगा उसका प्राइस है बीस तो यहाँ भी हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है एंड रेडमी नोट टेन प्रो प्रो मैक्स दोनों के ही एट जी बी रैम और वन ट्वेंटी एट जी बी वेरियंट्स भी अवेलेबल हैं जिनके लिए आपको दो हज़ार और एक्स्ट्रा देना होगा तो अब अगर हम प्राइसिंग देखें क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स के बेस वेरिएंट अवेलेबल नहीं है क्लैरिटी नहीं कि कब आएगी तो प्राइसिंग हो जाती है चौदह हज़ार सत्रह हज़ार बीस हज़ार तो छः हज़ार का टेक्निकली डिफरेंसेस है तीनों फ़ोन के बीच में एंड रेडमी नोट 10 और 10 प्रो के बीच में अगर आप देखोगे 14000 और 17000 3000 का अंतर है ठीक इसी तरह रेडमी नोट 10 प्रो से प्रो मैक्स के बीच में 3000 का अंतर है 17000 से 20000 अब कौन सा फ़ोन लेना चाहिए देखो भाई कैमरा अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो Redmi Note 10 Pro से आप Pro Max ले लो भाई सीधा सा बात है Pro Max का बजट नहीं है तो Pro भी ले सकते हो लेकिन तब आप Redmi Note 10 तो अवॉइड ही करना आपको पसंद नहीं आएगा अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लो कि Redmi Note 10 का जो बेस वेरिएंट है जिसमें चार जीबी रैम है और जो 12000 में मिलता है इसे तो आप अवॉइड करना अब 14000 के बाद आप देखोगे तो Redmi Note 10 Pro स्टार्ट होता है आपका 17000 में तो 3000 अगर आपको एक्स्ट्रा देना है तो आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं

आइडियली अगर आपको थोड़ा बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए एंड आप उसके लिए तीन हजार खर्चा करने के लिए रेडी हो तो ले लो एंड प्रो से प्रो मैक्स की बात करूं यहाँ पे भी तीन हजार का डिफरेंस है सत्रह हजार में रेडमी नोट टेन प्रो मिलता है एंड प्रो मैक्स का जो दाम है वो बीस है तो तीन हजार करोगे तो आपको क्या मिल रहा है मेन जो अपग्रेड है सिर्फ दो हैं पहला एक बेटर प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का एंड दूसरा एक 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा सुपर माइक्रो कैमरा की मैं कहूंगा कूल cool है डेफिनेटली बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ एकदम बहुत कूल cool है बहुत यूजफुल है ऐसा कुछ नहीं है तो बेसिकली अगर आप तीन हजार एक्स्ट्रा दोगे Redmi Note 10 Pro से Pro Max के लिए तो आपको सिर्फ एक बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिल रहा है तो अनटिल एंड अनलेस आपके लिए कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप Redmi Note 10 Pro भी ले लो खुशी खुशी उसको इंजॉय करो यूज करो आपको कोई कंप्लेस नहीं होने वाला लेकिन अगर आपके लिए कैमरा सब कुछ है कि नहीं भाई मुझे तो एकदम बेस्ट कैमरा फोन चाहिए बीस के अंदर तब फिर आप Redmi Note 10 Pro Max ले लेना तो आई होप दोस्तों इस डिटेल्ड वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको Redmi Note 10 लेना चाहिए 10 Pro लेना चाहिए या 10 Pro Max लेना चाहिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना धन्यवाद